अच्छा, तो ये भाई नेपाल से है, मैकेनिक है, और दो बंदा मिल के खोला फटाफट। दूसरा और भी है, उससे भी मैं मिलवाता हूँ। नेपाल में देखते हैं, अगर आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जाओ। अच्छा सर, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हो गया। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ और गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, जा रहा हूँ सर्विस करवाने के लिए। और सर्विस करवाने के लिए चलते हैं, यहाँ से अराउंड तकरीबन जो है ना 5-6 किलोमीटर दूर होगा। तो आप लोगों को रास्ते का भी नज़ारा दिखाते हैं, क्या नज़ारा है। और आप लोग बने रहिए। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत बहुत लगता है। तो दोस्तों चलते हैं, वहाँ सर्विस करवाते हैं, और कौन मिलता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ का है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद जो है ना, कौन सा कंट्री का बंदा मैकेनिक मिलता है, ये सब चीज़ देखेंगे, और कितना पैसा लगता है। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देख पा रहे हो आप लोग रोड का नज़ारा, कोठे ऊपर कोठरी, दो दो फ्लोर ऊपर चल रहे गाड़ी और नीचे भी चल रहे। तो ये है यहाँ दोस्तों, बहुत सारा फ्लाईओवर है, और कहीं भी जाना होता है उतना ट्रैफिक नहीं लगता है, बिल्कुल बेफिक्र जाओ। तो चलते हैं और उसके बाद बातचीत करेंगे। बोर्ड के नीचे जो दिखाई दे रहा है कैमरा, तो ये सीट बेल्ट और मोबाइल का है, तो इसलिए इधर केयरफुल होकर के गाड़ी चलाना पड़ता है। सर्विस करवाता हूँ, तो ये आप लोग को राइट साइड में दिख रहा होगा, और यहाँ इस सर्विस करवाते हैं। तो जब भी सर्विस करवाना होता है यहीं आते हैं, क्योंकि एक जगह कराने से सही रहता है। तो इसलिए मैं जब भी हमको सर्विस करवाना होता है गाड़ी का, तो मैं इसी जगह आ जाता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे दोस्तों, एक चीज़ है, आपको यहाँ कोई भी अगर रोड पे चल रहे, देख रहे हो फॉलो कैसे कर रहा है, अपना अपना लाइन में चलेगा। अगर लेफ्ट राइट कोई जा रहा है तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर देगा, उसके बाद ही वो लेफ्ट राइट जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो है ना थोड़ा सा खतरा कम बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं ट्रैफिक, और रोड पे जब भी चलते हैं ये लोग बहुत अपने अपने लाइन में ही चलते हैं। जब भी लेफ्ट राइट ये सबको जाना होता है तो अपना इंडिकेटर दे करके चलता है। तो ये महत्ता है, मैं आ चुका हूँ। महत्ता बोले तो अपने हिंदी में इसको पेट्रोल पंप बोलते हैं। तो ये पेट्रोल पंप है, और गाड़ी लगाते हैं, इधर बातचीत करते हैं कौन है कहाँ से है। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो आ चुका हूँ मैं सर्विस के लिए, और यहाँ आप देखते हैं कौन सा भाई मिलता है और कहाँ से है, और बातचीत करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो गाड़ी इधर अभी खाली है, क्योंकि दोपहर का समय है, देख पा रहे हैं यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी लोग सर्विस करवाने नहीं आते हैं। तो मैं आ चुका हूँ, मेरा गाड़ी इधर है, और लगाते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं क्या लगेगा और कितना लगेगा। तो गाड़ी लगा चुका हूँ इस जगह, और उसके बाद पूछते हैं भाई कहाँ से है, और सर्विस भी करवाते हैं, और कहाँ से है ये बातचीत भी करते हैं। तो आप लोग बने रहिए। सलाम,
और क्या हाल है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहाँ से आप हो? मैं नेपाल। अच्छा, तो ये भाई नेपाल से है, मैकेनिक है, और दो बंदा मिल के खोला, फटाफट खोल करके जो है अपना नया वाला इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो ये भाई नेपाल से है, और दूसरा और भी है, उससे भी मैं मिलवाता हूँ। तो ये बताओ, आपका नाम तो पूछे ने, क्या नाम था आपका? मेरा सुनील। सुनील सुनील कुमार चौधरी। सुनील चौधरी। तो ये बताओ, अगर आपका वीडियो कोई नेपाल में देखता है, अगर आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ जाओ, अच्छा सर्विस होता है और सब फुल अच्छा से सर्विस होता है। मैकेनिक कि हाफ मैकेनिक? फुल भी होता है, पूरा फुल। चलिए ठीक है। तो ये सर्विस हो चुका है गाड़ी का, और उसके बाद अब पेमेंट देखते हैं कितना आता है और कितना हुआ है, उसके बाद पता चलेगा। तो ये फतूरा मिल चुका है, 107 रियाल का है, और उसके बाद एक कैश तो नहीं है, कार्ड है, और कार्ड से कटवाते हैं। कितना बना है? 107 रियाल। तो 107 रियाल लगा सर्विस में, और पूरा सर्विस हो गया है, तो पैसा कटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड।